सुशांत सिंह और दिशा सालियन के मामले में काफी बार एलिगेशन किए हैं, प्रूफ के साथ एलिगेशन किए हैं। अब तो कोर्ट में वो मामला चालू हो गया है। आदित्य ठाकरे इतने डर गए हैं कि उन्होंने कैविट दाखिल किया है। और मेरी ये भी मालूमात है, जिसको आप क्रॉस चेक करो, कि दशहरा के बाद आदित्य ठाकरे शायद देश छोड़ के जा सकते हैं। नहीं, उन्होंने क्या है, वो कभी कभी है ना मिसगाइड भी करते हैं आरोपी लोग। तो मतलब एक लंदन का टिकट निकालने का दिखाने का और साउथ अफ्रीका भाग जाने का, तो उसने कहा कि दो कंट्री के टिकट निकाल के रखे हैं, तो आइन वक्त पे कहाँ भागेगा पता नहीं ऐसा। क्योंकि उनको डर है कि सुशांत सिंह और दिशा सालियान के मामले में उनको अरेस्ट हो सकती है। इसे दशहरा मेलावे के बाद उनकी फ्लाइट की टिकट तैयार रखी गई है, ताकि वो देश छोड़ के जा सकते हैं। क्योंकि उनको डर है कि जिस तरीके, जिस एंगल से वो कोर्ट में केस चालू है, उनको कल अरेस्ट हो सकता है। इसलिए मैं संजय राजाराम राउत को कहूंगा कि ललित पाटिल को अरेस्ट होने के बाद ही उनको इतना क्यों लग रहा है कि वो खुद भी अरेस्ट हो सकते हैं। क्यों सुषमा जी उसके अरेस्ट के बाद ही रोना चालू कर रही है? हो मतलब दो दो देश के टिकट उन्होंने निकाल के ऑलरेडी रखे हुए हैं, हाँ, और उनको तो इससे तो साबित हो गया ये गुनाहगार तो पहले ही अपना एक प्रकार का गुनाह कबूल कर रहा है। क्योंकि ये एक तरफ तो एफिडेविट दे रहा है कोर्ट में कि हमारे खिलाफ जो कुछ भी लगा है वो गलत है, दूसरी तरफ इधर भागने की तैयारी कर रहा है, और सरकार का व्यक्ति ये ऑन रिकॉर्ड आके कह रहा है कि ये भाग रहा है। तो भाई ये नीतीश राणे जी ने क्यों नहीं कहा सीबीआई को कि भाई ये भागने वाला है, दो चार दिन के बाद इन्हें अरेस्ट करो, किसका आप दशहरे का इंतजार क्यों कर रहे हो? नहीं होगा। सरकार अपने लेवल पे काम कर रही होगी, वो उनका मसला है। लेकिन एक फ्रैंकली बताता हूँ, अननेसेसरी ना आप इन पे डाउट मत खड़ा कीजिए। उन्होंने इंफॉर्मेशन दी, ये बड़ी बात है अपने को। उनको आप ट्रबल में मत लाइए। आप ये सोचिए कि ये इंफॉर्मेशन मिली है, उसको यूज कैसा करना है। हमको रिजल्ट चाहिए, हमको कोई हंगामा शो नहीं करना है। आप मुझे गौर कीजिए, छोटा सा कुछ एक छोटा सा आरोप लगता है ना, तो झट से आ जाते हैं उनके पार्टी के प्रवक्ता, बोलो संजय राउत बोलो, आकर जवाब देने लगते हैं। अभी हम इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, या तो आदित्य ठाकरे आना चाहिए था, या तो उनके प्रवक्ता आना चाहिए था, आकर डिस्कशन कर लेते कि ये जो आरोप लगे हैं ये झूठे हैं। जैसा आपके चैनल पे आ जाइए, QIU का आप लिंक दे दीजिए आपकी, इसका जो कोई उनके तरफ से, आदित्य ठाकरे की तरफ से अपना बचाव पक्ष रखना चाहते, आप यहां आ जाइए। हमारा आपसे कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, हमारी दुश्मनी है आपके बुरे कर्मों से।